भ्यो नमः ॐ गणपतये नमः ॐ ते नमः ॐ राम रामाय नमः ॐ मातेश्वरी नमो नमः ॐ मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमो नमः ॐ शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेष राशि, मेष राशि का जून का महीना, जून खत्म हुआ, जुलाई का महीना कैसा लेके आ रहा है, कैसा रहेगा, ग्रह स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा, तन मन धन जन गोप लक्ष्मी। तो सबसे पहले मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि अश्विनी नक्षत्र और जुलाई का महीना में क्या रिजल्ट आ रहा है। कार्य अत्यंत सफल होने वाला है, शरीर मन अच्छा रहने वाला है, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन और नौकरी क्षेत्र में पूर्ण स्वाधीनता मिलने का संभावना, व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति, पढ़ाई के क्षेत्र में उच्च स्थान मिल सकता है और लिखन इत्यादि कार्य में सफलता मिलेगा। शत्रु हानि और दुस्साहस कर सकते हैं। और दूसरा, मेष राशि का भरणी नक्षत्र के लिए अगर इस महीना का स्थिति नक्षत्र फल को देखते हैं, व्यवसाय में लाभवान, कार्य क्षेत्र में उन्नति, मान सम्मान में वृद्धि, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि, आकस्मिक धन लाभ और धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ सकते हैं। महिलाएं यश मान सम्मान का लाभ करने वाले हैं। छात्रों के लिए विदेश यात्रा का योग कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। और ठीक ऐसे ही इस मेष राशि कृतिका नक्षत्र जून के बाद जुलाई का महीना क्या लेके आ रहा है, नक्षत्र फल क्या है, इस महीना आपके लिए बहुत प्रकार के शुभ संकेत, शुभ फल लेके आएगा। मानसिक शारीरिक पीड़ा थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र में सफलता और उत्साह और प्रेरणा मिलेगा। शत्रु से हानि, शत्रु का द्वारा हानि हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्द्वंद्वता से आगे बढ़ेंगे। आईन अदालत इत्यादि में सफलता दिखाई दे रहा है। आय खूब अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में हर्ष उल्लास आनंदित अनुभव करेंगे। नौकरी क्षेत्र में कई कार्य समस्याओं का समाधान और दृढ़ता दिखाई देगा। व्यवसाय में लाभवान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह महीना अत्यंत उत्तम और उत्तम फल प्रदायक दिखाई दे रहा है। तो ये मेष राशि का नक्षत्र फल कृतिका का था। तो अब बात करेंगे ग्रह की स्थिति के अनुसार मेष राशि क्या लेके आ रहा है। सबसे पहले मेष राशि का जून के बाद जुलाई का महीना में ग्रह स्थिति क्या है। लग्न में मंगल बैठे हुए हैं, आगे चल रहे हैं वृष के और उनका गति उधर ही चल रहे हैं। और द्वितीय स्थान में गुरु बृहस्पति ऑलरेडी बैठे हुए हैं मजा के साथ द्वादश अधिपति बन के। तृतीय स्थान में सूर्य बुध शुक्र टुवर्ड्स कर्क राशि चल रहे हैं और आपकी छठा स्थान में ऑलरेडी केतु संभाल के बैठे हैं। आपको ये महीना रोग रिपूर्ण से संभाल के चल रहे हैं और आपका भाग लाभ स्थान में टॉप गुड बेस्ट सॉलिड शनि बाबा एकदम मस्त मस्त देने के लिए आ रहे हैं और वक्रत्व के साथ आपको रिजल्ट मिलने वाला है। साथ में द्वादश क्षेत्र में राहु चल रहे हैं। तो ये इस महीना का ग्रह स्थिति फल और इस समय इस महीना देखेंगे कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य स्थिति। इस महीना आपके लिए बिफोर शनि 7:30 शनि बकरी का एक रक्षात्मक स्थिति बनते हुए दिखाई दे रहा है मेष राशि के लिए। तो एक प्रकार का रिलीफ इस महीना दिखाई दे रहा है मेष राशि के लिए। सबसे पहला स्वास्थ्य, लग्न में लग्नेश कौन बाप आपको बीमार कर सकता है, चिंता का कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखना शनि के दृष्टि में भी हो तो मंगल अपने कारकत्व को खो देता है। बहुत अच्छा रिजल्ट मंगल यहाँ पर दे नहीं पाता है, यानी मंगल जो भी आपको इस बार मिलना था शनि के दृष्टि के कारण मंगल यहाँ पर पीड़ित कहा जाएगा। धन स्थान के घर में व्ययेश गुरु बृहस्पति, भाग्येश गुरु बृहस्पति भाग्य का उजाला करवाएंगे। भाग्य से धन प्राप्ति योग दोनों तरफ मस्त कंडीशन बना के बैठे हैं, लेकिन यह भी है कि द्वादशाधिपति तो खर्चा में मन जाएगा, बिना चीज खरीदने का इच्छा रुचि वृद्धि होते रहेगा और खरीद भी लेंगे बिना मतलब का चीज, कुछ कुछ खरीदेंगे और बाद में थोड़ा सा पछतावा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सुवर्ण द्रव्य प्राप्ति की संभावना रहता है। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी और कम्युनिकेशन का घर सुपर एक्टिव होके पड़ा है। पराक्रम में वृद्धि और इस महीना आपके लिए टॉप गुड बेस्ट दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि का, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, यहाँ पर राहु और मंगल का दृष्टि कहीं ना कहीं समस्या पूर्ण रहेगा। माता का स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं दुस्संवाद मिलने का भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है और माता के लेवल पे लेके थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंतित तो रहेंगे ही। मेंटल टेंशन भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अहेतुक बिना फालतू का चिंता और भय, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहेगा। बात यहाँ पर कर लेते हैं पंचम प्रेम प्यार शिक्षा संतान और आध्यात्मिक शनि का दृष्टि है, इन सब मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा
विच्छेदात्मक और स्लोडाउन भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं हृदय मन थोड़ा सा खिंसा रह सकता है। दाम्पत्य जीवन का बात करते हैं, मंगल का दृष्टि यहाँ पर है, संभाल लेगा और लग्नेश समाधिपति तृतीय स्थान में कहीं ना कहीं छुटपुट झोल झमेला झंझट झगड़ा अशांति मन मतांतर इत्यादि थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपका भाग्य, चिंता का कोई बात नहीं है, मस्त भाग्य का स्थिति दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सूर्य शुक्र बुध का भी दृष्टि इस महीना में दिखाई देगा तो यहाँ ये भी ठीक रहेगा। और बात कर लेते हैं मेष राशि का, कार्मिक स्थिति इस महीना का क्या रहने वाला है, यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बकरी शनि बहुत सारे रुके हुए काम को इस महीना निकाल के देंगे। मान सम्मान वृद्धि का भी स्थिति दिखाई दे रहा है। लाभ स्थान में शनि बकरी अति बलि अति बुरेवान, यानी ये समझ लीजिए कि आखिरी मैच आखिरी बॉल 3 महीना 4 महीना के अंदर आपके लिए बम बम कैलाशी घटघट के वासी होने वाला है। बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और व्यय स्थान में राहु बैठा, इधर उधर का खर्चा इधर उधर का यात्रा, मन बार बार बोलेगा यहाँ जाए वहां जाए, ऐसा करें तो ऐसा करें, ऐसे उल्टा दे पलटा दे। कभी कभार मंगल बैठने के कारण अंदर बड़े सारे क्रोध भी जागृत हो सकते हैं और कहीं ना कहीं बदला का भावना। छठा में केतु लग्न में मंगल शनि का दृष्ट में, तो कभी कभार बिगाड़ सकता है पर्सनैलिटी को। इस क्षेत्र में थोड़ा सा मेष राशि वालों को सावधान रहने का आवश्यकता है। मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि अगला 10 महीना के बाद शनि का 7.5 मेष राशि वालों के लिए सृष्टि हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अभी से अपना सभी प्रकार के प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। मेष राशि वालों का जो शनि 7.5 का इंपैक्ट दिखाई देगा प्रारंभिक लेवल पे, क्योंकि शनि राहु का युति आपके एकादश द्वादश में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट दिखाई दे सकता है, प्रारंभिक झटका देने का बड़ा संभावना है। इस क्षेत्र के लिए अभी से थोड़ा सा तत्पर रहने का आवश्यकता है, इंटरनल मैकेनिज्म को ठीक करने का आवश्यकता है, आंतरिक लेवल पे इंटरनल डेकोरेशन करने का आवश्यकता है, इंटरनल लेवल पे अपने को आत्म सुधार करने का आवश्यकता है। जरूर शनि का रेमेडी करें, साथ साथ इंटरनल बिल्डअप भी करने का आवश्यकता है। तो ये